उधर केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया है। मेपाड़ी नाम की जगह से जमीन खिसकने की खबर आ रही है और इस हादसे में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोगों को फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर टीम जो है वो रवाना हो गई है ताकि लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। केरल के वायनाड में ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसकी वजह से बताया जा रहा है जो लगातार बारिश हो रही है यही कारण रहा है जिसके कारण जमीन खिसक गई। 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। काल के घाल में वो समा गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के अभी फंसे होने की इसमें आशंका भी जताई जा रही है मलबे में, जिसकी वजह से वहां पर सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश जो है वो देर रात से ही की जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थान के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा ताकि उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। तो जमीन खिसकने की वजह से केरल के वायनाड में बड़ा हादसा हुआ। वायनाड हादसे पर देश के प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने केरल के सीएम पी विजयन से बात की है। पीएम मोदी ने सीएम को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। पीएम राहत कोष से 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान मृतकों के परिजनों को कर चुके हैं। 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों को वहीं 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पीएम मोदी ने सीएम पी विजयन से बातचीत की है और उन्हें भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है कि केंद्र से उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। पीएम राहत कोष से भी जो जिनकी मौत हुई है और जो घायल हैं उनको मुआवजा आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। तो वायनाड में जमीन खिसकने की वजह से ये बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए जो परेशान करने वाली हैं और चिंता में भी डालने वाली हैं उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को खो दिया है और जिनके अपने अभी इस मलबे में दबे हुए हैं। यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। केंद्र ने भी प्रदेश सरकार को पूरा भरोसा दिलाया है कि हर संभव मदद जो है वो की जाएगी। सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी वहां पर जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जा सके। पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही साजिश नहीं करता बल्कि अपने ही देशों के लोगों पर भी वो कहर बरपाता है। कहने को बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन यहां के लोग पाकिस्तान को अपना देश ही नहीं मानते। बलूचिस्तान के लोग आजादी के लिए तड़प रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना पर जनसभा के दौरान बलूच नेता महरंग बलूच को मारने की कोशिश करने का आरोप लगा है। चीन और पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ अब बलूच सड़कों पर है। हजारों की तादाद में बलूच एकजुट है, एक मुखर आवाज में अपने हक का शोर बुलंद कर रहे हैं। अपने साथियों पर हो रहे कायराना हमलों के बाद इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान के बाशिंदे इस वक्त पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है। इनका आरोप है कि पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के संसाधनों को लूट रहे हैं और इसीलिए पिछले दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के बीच बलूचिस्तान आंदोलन की मुखिया मेहरंग बलोच पाकिस्तानी सेना के निशाने पर आ गई हैं। ग्वादर में बलूच के समर्थन में हुई जनसभा के दौरान आतंकवादियों के नाम की आड़ में पाकिस्तान सेवा की मिलिट्री इंटेलिजेंस में तैनात 2 सैनिकों पर उन्हें मारने की कोशिश करने का आरोप लगा है। दोनों आरोपियों को तो मौके पर ही पकड़ लिया गया और जब उनसे पूछताछ हुई तो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। जानकारी के मुताबिक वो दोनों सेना की खुफिया शाखा विंग इस्लाम मिलिट्री इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखते हैं और वो लोग अपने हथियार और वॉकी टॉकी को लेकर यहाँ हिंसा के इरादे से आए थे। इन लोगों का प्लान था कि जब सरकारी सुरक्षा एजेंसी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगी तो इसी बीच वो आंदोलन की मुख्य नेता मेहरंग बलोच को गोली मार देंगे और ये प्रचार किया जाएगा कि उन्हें आतंकवादियों ने गोली मार दी।
मान इस्लाम में माइए मर्दमे माइदात कई इमारत स्थल गुम तो वापी टाकी गुम तो आने मगर एफसी उस तमाम हमला करना इस एड़े शो विजन ऐसा बाकी माँ इसी सर देर इसी सर कारा बुत तो हमरा नाम कहें इस्लाम में क्या है इस्लाम कई नाम कहें जहीर वलीद क्या है वलीद बुझा नहीं स्थिति मान स्थिति तोड़ बता तो वहीं पाकिस्तान की सेना ने अपनी पोल को खुलते देख तुरंत एक बयान जारी किया और आरोप लगाया कि बलोच यूथ कमेटी के सदस्यों ने बलोच लिबरेशन आर्मी के समर्थन से सुरबत में तैनात दो सैनिकों का अपहरण किया, उन्हें ग्वादर ले आए। इन दोनों का जबरदस्ती बयान दर्ज कराया गया और जब मामला निपटने के लिए फ्रंटियर कोर ने अपने आदमियों को बचाने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। वहीं मेहरंग बलोच ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था पर पाकिस्तानी सेना ने गोलियां चलाई और उनके हजारों लोगों को जबरदस्ती अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार किया गया। मेहरंग बलोच ने ये भी कहा कि उन्हें और उनके साथियों को अगर कोई भी जानमाल का नुकसान होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और प्रशासन की होगी। बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान और किसी को भी जो भी नुकसान पहुंचाए उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की है, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की है, जिसके ऑर्डर्स पर पीसफुल मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। पीसफुल मुजाहिरीन आज भी जिनकी लाशें जीडीए हॉस्पिटल और मुख्तलिफ अस्पतालों में पड़ी हुई है, जिन लाशों को देखने के लिए भी हमें इजाजत नहीं दी जा रही है और कल को मुझ समेत यहाँ पर किसी को भी कोई जानी नुकसान पहुंचता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज की होती है। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी यानी कि BYEC के विरोध में प्रदर्शन में अब तक 3 प्रदर्शनकारियों की मौत की जानकारी है। कई लोगों के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है तो वे पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस प्रदर्शन में एक सिपाही शब्बीर बलोच की मौत हुई। इसके अलावा एक अधिकारी के साथ साथ 16 सैनिक गंभीर रूप से जख्मी है। फिलहाल बलूचिस्तान और उसके आसपास के इलाके इस वक्त हिंसा और आग में झुलस रहे हैं। शहरों में कर्फ्यू लगा है और बलूच लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। उधर हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने की वजह से अचानक ही बाढ़ आ गई। कुल्लू में मणिकर्ण घाटी की पहाड़ी पर बादल फटा है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि कुल्लू में पानी के बहाव में 3 दुकानें जो थी वो बह गई हैं। तो प्रकृति का कहर जो है यहां पर हिमाचल के कुल्लू में देखने को मिला है, जहां पर बताया जा रहा है कि बादल फटा है, यानी कि जितने mm बारिश वहां पर होनी चाहिए, जितना अनुमान जो है वो लगाया जाता है, उससे जब 4 गुना ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। और यही वजह है कि वहां पर भारी बारिश की वजह से तूफान आ गया, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं, कई दुकानें बह गई हैं पानी में, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। कुल्लू में बादल फटने की वजह से एक बार फिर से जो वहां के लोग हैं वो परेशान हैं। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र राजस्थान।